आप बाहर से देखने में भले ही वृद्ध लगे, आप चाहो एक सिस्टम के साथ जीवन, बिना टेंशन के साथ आप जीवन जिएंगे तो सतायु उम्र प्राप्त करेंगे। टेंशन मत करना, ये टेंशन तोड़ के रख देता है बिल्कुल। ईश्वर का स्मरण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठंडी चाय मत पीना, ये सब हड्डी पसलियों में दर्द करी। मेरे पास कुछ सूत्र हैं जिनको मैं रोज टाइम नहीं होता तो भी पढ़ता हूं, और यह चीजें आपके बहुत बहुत काम में आई। भोर में थोड़ा जल्दी जागिए, थोड़ा सा बैठिए, ये सोच करके आप बैठ जाएंगे हम तो बूढ़े हो गए तो टूट जाओगे जल्दी। काहे को बूढ़े हो गए भाई, थोड़ा घूमिए फिरिए, है थोड़ा संगीत का आनंद लीजिए, थोड़े गीत गाइए, भोजन का विशेष ध्यान रखिए, उपवास कम कर दीजिए। वृद्धावस्था में उपवास कम, स्मरण ज्यादा। उपवास कम आपके सबके बदले के मैं कर लूंगा उपवास, इस ढलती हुई उम्र में उपवास कम। माला भी नहीं ले पाते कोई बात नहीं, मानसिक स्मरण होने दीजिए, मानसिक जप होने दीजिए। इस उम्र में गोपाल जी को, भगवान नर्मदेश्वर, उन सबको निलाना लुलाना बड़ा मुश्किल होता है, मैं जानता हूं। इसको निलाने के लिए एक टाइम है, आपने जवानी में सब कुछ निला लिया, ये सब बहु बेटों को सौंप दीजिए। आपको नास्तिक नहीं बना रहा हूं, जब मैं नास्तिक नहीं हूं आपको नास्तिक क्यों बनाऊंगा। आप बैठे बैठे चलते चलते फिरते फिरते भगवान का स्मरण, जो भी आपको गुरु मंत्र में कोई मंत्र मिला है वह, उसके साथ आप जुड़कर और अपने शरीर को एकदम छोड़ मंदी। जिन गाड़ियों को चलाना छोड़ देते हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं। आपके पास दुकान है, थोड़ा दुकान पर बैठिए, हाँ बच्चों के पास जा करके बैठिए, थोड़ा चलते फिरते मूवमेंट होता रहे शरीर का, बॉडी का। मैं तो कथा अंतिम श्वास तक करूंगा, अंतिम श्वास तक। मैंने तो भगवान को बोला है जिस दिन हम तेरे काम के ना हो तो फिर हमें यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। अभी घूम घूम के देश देश तक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आश्रम में बैठ के करूँगा, लेकिन ये सेवा जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक, अंतिम श्वास तक। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी से यही तो सीखा, पूज्य डोंगरे जी महाराज से यही तो सीखा, ये महापुरुष अंतिम श्वास तक बोलते बोलते गए, अंतिम श्वास तक उनका प्रवचन जारी रहा। आप अपने हाथ पांवों से, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बदनामी है, घर में चाचार बहुएं हैं और आपको रसोई में चाय बनाने के लिए जाना पड़ता है, इसी में आप अपने आप को छोटा समझ लेते हैं। अरे चाचार बहुएं और चाय हमें बनानी पड़ती, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, जवानी में भी तो आपने बहुत बनाई थी। और जो आप खुद टेस्ट चाय का अपने हाथों से ले सकते हैं, बहू के हाथ की चाय में तो वो टेस्ट कभी आ ही नहीं सकता, कभी भी अजमा के देख, कभी नहीं आ पाएगा वो, चाहे जितना जोर लगा ले। वो दालचीनी क्यों, दालचीनी के माई बाप को डाल दे उड़ेल के उसमें, अदरक की चाची को भी डाल दे उसमें, लेकिन जो अनुभव तजुर्बा एक आपको अपने हाथों का है वो आजकल की ये बच्चियां नहीं कर पाएंगी। कभी आपको अपने हाथों से भोजन बनाना पड़े तो क्या कोई आफत आ गई है, क्या हमें वैल्यू कम लगती है? अरे वैल्यू जवानी में बहुत देख लिया, वैल्यू चलता रहेगा, हाथ पांव चलता रहेगा। और जिस दिन आप एक जगह बैठ गए उठना मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहां कभी कोई गैया बूढ़ी हो जाती है तो हम उसको उठाते रहते हैं, और जिस दिन उसको छोड़ दिया उठाना फिर तो उसको समाधि में ही जाना पड़ेगा, फिर वो नहीं उठती। जिस दिन आप बैठ गए के बस अब कुछ नहीं करना, घर में चार बहुएं आ गई, जमीन में लग जाएंगे उसी दिन। और मरने से डरिए मत बिल्कुल। हाँ एक कोई श्रीमान जी रो रहे थे, अभी मैं नोएडा में था, उसमें था गुड़गांव में, मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? बेटा अमेरिका में गया, उसने बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है और हम जाने वाले हैं, बच्चे का फ्लैट कैसे देखे। मैंने कहा रोइए मत, अपने आप का मूवमेंट करते रहिए। अभी तुम 82 के हो, 82 में भी मुझे तुम ज्यादा बूढ़े नहीं लग रहे हो। कहा पत्नी कहती है कि
चार चार पांच पांच बेटे हैं और अभी भी दुकान पर जाओगे, वो 82 साल में दुकान पर जाते। मैंने कहा इसमें पत्नी की बिल्कुल मत मानो, आते रहिए जाते रहिए, तुम्हारी बॉडी का मूवमेंट होता रहेगा, आप एक जीवन की लंबी पारी खेल के जाओगे।